Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about how will your future spouse or how will your life partner be like and how will you meet? How will all this begin? Is bare mein reading hai. Let's get started with your reading. हेलो एंड वेलकम टू द सेटअप. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव थ्री पाइल्स एंड यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम. सो पाइल नंबर वन जो है वो ए डी आई एल एम पी एस डब्ल्यू जी इन लेटर्स के. अगर आपका नाम इनमें से किसी एक लेटर से शुरू होता है तो पिक पाइल वन. पाइल नंबर टू इज C E G J O R T V Y. अगर आपका नाम इनमें से किसी एक लेटर से शुरू होता है पिक पाइल टू. पाइल नंबर थ्री इज B F H K N Q U X. तो अगर आपका नाम इन लेटर्स में से किसी एक लेटर से शुरू होता है पिक पाइल नंबर थ्री. जो आपका ऑफिशियल नाम है ऑल राइट उसकी यहाँ पर बात हो रही है. आपके निक नेम की आपको घर पे जो बुलाता है उसकी उस नाम की बात नहीं हो रही. जो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर जो आपका नाम है वो वाला नाम का जो फर्स्ट लेटर है उससे आपने अपनी पाइल को सिलेक्ट करना है. All right, so let's get started with your reading. So pile number one, so this is your reading. You chose this pile because aapka jo naam hai wo A D I L M P S W Z inme se kisi ek letter se shuru hota hai. So let's get started with your reading. How will your future spouse is going to be like or your life partner is going to be like? Unke nature ke bare mein kuch yahan par उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. सो वी हैव नाइन ऑफ वांड्स. ओके, योर स्पाउस इज समवन पाइल वन जो बहुत पावर ऑफ रेजिलियंस रखे हुए हैं. वो अपनी बात को प्रूव करके रहते हैं. वो लाइक दे आर द पीपल जो हर चीज़ को ट्राई करते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है नहीं है. दूसरों के कहने पर नहीं जाते हैं और बहुत एक हेड स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है और अपने आप को प्रूव करते रहते हैं कि आई एम राइट लाइक आई हैव मैनी रीजन्स दैट वाई आई एम राइट. और ये चीज़ जो मैंने पिक करी है ये क्यों सही है. तो ही कैन और शी कैन गिव यू मल्टीपल reasons. And I do feel pile one that your spouse will have high ego. Like he likes to or she likes to prove her point, prove his point. All right. Is extremely competitive in nature, does not backs out easily. Then we have King of Swords. Oh my goodness, King of Swords here again shows कि अपनी बात पर अड़े रहना. वो जो मूवी है जिसके अंदर वो कहता है मैं झुकेगा नहीं. सो इट्स लाइक दैट. योर पार्टनर इज समवन जो अपने थॉट प्रोसेस पर टिके रहते हैं. अगर उन्होंने कह दिया ये सही है और वो गलत है तो ये पत्थर की लकीर है, इसको बदलना बड़ा मुश्किल है. King of Swords again shows that your spouse is not a people pleaser. Even though he or she will like to prove their point that why they are right, but again they are also the people जो परवाह नहीं करते दूसरों की ज़्यादा. But at the same time they like to prove their point by logic. Extremely logical person, does not believe in rumors, likes to try out things. King of Swords show करता है कि they are adventurous people. They are the people जो sports खेलना बहुत पसंद करेंगे. Cricket, badminton, basketball, some sports they are going to be definitely involved in. They are the risk takers as well. And logical बहुत ज़्यादा है, बहुत logical है. And I do feel that they are very passionate towards sports. Then we have Five of Pentacles. Five of Pentacles here shows that your spouse is not really coming from a financially stable, secure home. उन्होंने अपने बचपन में अपने parents को money के लिए जो है वो बहुत struggle करते हुए देखा है. So he or she are going to be the people जो money की बहुत value करेंगे और बहुत again एक practical person होंगे. जैसे
दे आर द पीपल जो स्पोर्ट्स को लेकर बहुत पैशनेट तो हैं बट दे वुड वॉन्ट समथिंग स्टेबल इन देयर लाइफ, जिसकी वजह से उन्होंने स्पोर्ट्स को परज्यू नहीं करा. ऑल दो अगर वो स्पोर्ट्स खेलते शुरू से ही वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होते तो दे कुड हैव बीन इन सम नेशनल टीम, बट उनको ये था कि आई हैव टू अर्न मनी, सम आई हैव टू अर्न मनी. और उन्होंने फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जो है अपने फन एंड गेम्स के लिए रखा, बट दे आर द पीपल जो मनी की बहुत वैल्यू करते हैं और उनका कोई बिजनेस यहाँ पर नज़र आ रहा है. इवन विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एक ये जॉब वाली एनर्जी नहीं है. लाइक योर पार्टनर इज समवन हु लाइक्स टू गिव ऑर्डर्स बट कैन नॉट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अदर पीपल. योर स्पाउस इज समवन जो ही और शी विल वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. अपने वेकेशन टाइम पर भी वो फ़ोन कॉल्स ले रहे होंगे और अपनी जूम कॉल्स पर हो सकते हैं, एक्टिव होंगे स्टिल वर्क में. मनी अगर सामने दिख रहा है तो ही और शी विल ट्राई टू ग्रैब इट. अगर मोती सामने पड़े तो उसको चुगना ज़रूर है. लाइक योर पार्टनर इज समवन हु इज़ गोना बी अ वर्कहॉलिक पर्सन हु विल अर्न लॉट ऑफ मनी बिकॉज दे आर द पीपल हु अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, कि मनी कितना ज़रूरी है. अगर आप रिच हो और आप वो बात कोई भी बात कहते हो, अगर आप वेल्दी हो, मनी आपके पास पूरा है, तो समहाउ सोसाइटी में आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड भी, और जो भी आप चीज़ बोलोगे उसको सोसाइटी मानेगी भी. आपको बार बार अपने आप को प्रूव नहीं करना पड़ेगा, आप उस प्रूव करने की मेहनत से बच जाओगे. तो दिस इज समथिंग विच स्पाउस रियलाइज एट अ वेरी वेरी यंग एज. बट स्पाउस इज समवन जो बहुत स्टबर्न नेचर के हैं, जल्दी से दूसरे की बात मानते नहीं और ना दूसरे पर भरोसा करते. एंड ऑफ द डेक में वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. द लाइक अंदर से ही स्टिल और शी इज स्टिल समवन हु इज लाइक ऑफ अ चाइल्ड. लाइक किंग ऑफ वॉन्ड शोज पैशन टूवर्ड्स क्रिएटिव थिंग्स. लाइक योर स्पाउस इज समवन जो बहुत क्रिएटिव है, लाइक एट हार्ट ही और शी स्टिल दे आर अ चाइल्ड, स्टिल दे आर वेरी पैशनेट पीपल और रोमांटिक पीपल. पर बाहर से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करते हैं कोल्ड पर्सनैलिटी, एक लॉजिकल पर्सनैलिटी है, बट अंदर से ही समवन और शी इज समवन जो जो इट हु इज़ वेरी यंग. ऑल राइट, बाहर से जो है फिजिकल अपीयरेंस से मे बी उनके जो कपड़े पहनने का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो सकता है, बट रात को तो वो जो हमारे पजामाज होते हैं वो कार्टून वाले पहनकर सो सकते हैं, बट जब बाहर कहीं पर जाना है तो फॉर्मल क्लोदिंग, जो मैच्योर क्लोदिंग, बट घर पे है तो फिर वो ऐसे कार्टून वाले पजामाज या कार्टून वाली टी शर्ट्स, ये पार्टनर को पहनना बहुत पसंद आता है बिकॉज इट जस्ट मेक्स देम हैप्पी, इट जस्ट मेक्स देम मोर लाइवली, इट जस्ट मेक्स देम फील दैट दे आर स्टिल यंग. और येस दे आर द पीपल जो यंग एट हार्ट है, बट अपने आप को उस तरह से ड्रेस भी करना चाहते हैं जब वो घर पे ही होते हैं, बट जब बाहर जाएंगे दे विल वियर फॉर्मल क्लोज. और उनका जो तौर तरीका है बात करने का जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं वो भी बदल जाता है. जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नेचर में भी. हमारा नेचर जो है कपड़ों से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो जैसे वो फॉर्मल क्लोथ्स पहनता है तो स्पाउस बिकम्स दिस यू नो वर्क ओरिएंटेड पर्सन, बट व्हेन दे कम होम और व्हेन दे आर एट होम तो बिल्कुल ही दे आर लाइक ऑफ अ चाइल्ड. दे आर होम बॉडीज, दे लाइक टू रिलैक्स, दे लाइक टू वॉच देयर फेवरेट कार्टून्स एंड ड्रामास, सो दैट आई कैन सी यंग एट हार्ट. देन वी हैव रेस्क्यूअर. इट सेज प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर्स इन क्राइसिस, एक्ट्स आउट ऑफ लव विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड. तो ये उनका नेचर आपके प्रति है कि जो पार्टनर है, योर पार्टनर इज गोना बी समवन हु इज गोना बी अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ टू यू. वो आपको सपोर्ट करते हैं और आपको हेल्प आउट करते हैं क्राइसिस के टाइम पर, मुश्किल के टाइम पर, और वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप भी उनको उसी जो उनके अंदर आपके लिए लव है वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप वो सेम लव रेसिप्रोकेट करो. लाइक दे अंडरस्टैंड कि हर किसी का लव का लेवल भी एक डिफरेंट होता है, लव का भी एक परसेंटेज है हर किसी में. तो ऐसा हमेशा देखा गया है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है
एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा लव करता है इन मैरिज, एंड दी अदर पर्सन हु लव्स अ बिट लेस, दे आर मोर इन कंट्रोल ऑफ द मैरिज एंड दे आर मोर प्रैक्टिकल पीपल. तो आप ये चीज़ रियलाइज करोगे, आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे और आपके लिए वो हर चीज़ करने को रेडी होंगे. वेयर एज आप ऑन दी अदर हैंड, पाइल नंबर वन, आप शायद अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा लव ना करो. ऑफकोर्स यू विल लव योर पार्टनर अलॉट, बट सम हाउ जो स्पाउस है वो ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं आपके लिए. सम हाउ दे शो देयर लव थ्रू देयर एक्शन, दे सेक्रीफाइस फॉर यू. उनका लव जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है आपके लिए, एंड दे फील लाइक कि आप उनके इनर सेल्फ को जानते हो और उनको बहुत अच्छे से पहचानते हो, और उसका रिवॉर्ड वो आपको लव के फॉर्म में देते हैं. लाइक ही और शी फील्स दैट यू आर वेरी क्लोज टू योर पार्टनर. लाइक योर पार्टनर कैन हैव पाइल नंबर वन, आपके पार्टनर के चार्ट में वीनस मार्स का कंजंक्शन हो सकता है. वीनस इज़ द फीमेल, मार्स इज़ द मेल. ऑलराइट, तो वीनस वाइफ है, मार्स हस्बैंड है. तो जब वीनस मार्स इकट्ठे होते हैं विद इन 10 degrees या विद इन 20 degrees भी चलो, बट एक ही हाउस में है, तो इट शोज़ कि ये पर्सन जो है जिस नेटिव के चार्ट में ये कंजंक्शन हो रहा है वीनस मार्स का, ये और इस पर्सन का पार्टनर, ये दोनों बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे से. और इनफैक्ट ये दोनों, ये जो है बातचीत अगर करेंगे तो बेडरूम में बेड पर बैठकर बात करेंगे, दूसरों के सामने बात नहीं करेंगे. क्योंकि समहा जब हम दूसरों के सामने बात करते हैं, चाहे दूसरे घर वालों के सामने ही बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश हो सकता है, हम अपनी बात अच्छे से ना कह पाए, खुल कर ना कह पाए. तो वीनस मार्स का जब किसी पर्सन के पास कंजंक्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन कैन डील विद लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स अर्ली इन देयर लाइफ बिफोर 28, ब्रेकअप्स इन देयर लाइफ बिफोर 28, बट इट ऑल्सो शोज दैट दे आर वेरी passionate people, they are very romantic people, very very passionate people and very serious about romantic relationship and marriage, and they are going to be very close to their partner, very close. Because Venus or Mars, dono male or female energy ek saath aa gaye hain, ek saath baith gaye hain. Such person when gets married, they are extremely close to their partner. Jaise parent aur child bahut close hote hain, us tarike se जो है उससे भी ज़्यादा, इनफैक्ट एक्चुअली यस, उससे भी ज़्यादा वीनस मार्स के कंजंक्शन वाला पर्सन अपने पार्टनर से क्लोज होता है. वेरी क्लोज, दे लिव वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ ही सिर से सिर जोड़े बैठे रहते हैं. सो लाइक दिस कैन बी योर स्पाउसेस प्लेसमेंट्स, या ये आपके चार्ट में भी ये प्लेसमेंट हो सकते हैं. वीनस मार्स का कंजंक्शन हो आपके चार्ट में पाइल नंबर वन, या फिर आपके पार्टनर के चार्ट में वीनस मार्स का कंजंक्शन हो आपके चार्ट में पाइल वन, जो आपका मून है या जो आपका असेंडेंट हो वो मार्सेशन साइन में हो, यानी मून या असेंडेंट एरीज या फिर स्कॉर्पियो में हो, या फिर मून या जो असेंडेंट है वो विनशन साइंस में, जैसे टॉरस और लीब्रा, तो इसमें आपका मून असेंडेंट प्लेस हो, दैट कैन हैपन. एंड सेम गोज विद योर पार्टनर पाइल नंबर वन, कि आपके पार्टनर का भी जो असेंडेंट है या मून है या आत्माकार का प्लैनेट है, प्लैनेट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट, कैन बी प्लेस्ड इन एरी स्कॉर्पियो और कैन बी प्लेस्ड इन टॉरस और लीब्रा. सो इसकी यहाँ पर इंडिकेशन है. समथिंग मोर about pile number one's partner, how or when they are going to meet each other. So we have the warrior, be fearless and stand strong. Okay, again ये एक नेचर के बारे में बात हो रही है. आपके पार्टनर इस समन जो बैक डाउन जल्दी से नहीं करते, अपना पॉइंट प्रूव करके रहते हैं. लाइक ही इज़ अ फाइटर और शी इज़ अ फाइटर, दे आर अ वॉरियर. ये हमने नाइन ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड में भी हमने यही बात करी कि स्पाउस के पास पावर ऑफ रिजिलियंस बहुत ज़्यादा है. वो सिचुएशंस में जो है मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी पार करके निकल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता की शक्ति बहुत ज़्यादा है और वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं. वो ऐसे थाली के बैंगन नहीं है जो कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, अपनी बात पे स्ट्रांग रहते हैं. तो ही और शी दे हैव द वॉरियर एनर्जी इन देम. और हम मार्सेशन साइंस की बात कर रहे थे एरीज और स्कॉर्पियो, तो मार्स भी वॉरियर एक सोल्जर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एनर्जी उनके अंदर ज़रूर होगा. एंड वी हैव हर्मिट, रिट्रीट एंड रीचार्ज. योर स्पाउस इज समवन हु इज़ गोइंग टू बी हाईली एजुकेटेड और हाईली वाइज पर्सन हु रियली बिलीव्स इन देमसेल्फ. उनको अपने आप पर बहुत ट्रस्ट और अपने आप पर बहुत ज़्यादा फेथ है, और एक ऐसे पर्सन है जो यू नो हु वॉन्ट्स टू डू गुड फॉर अदर पीपल, एंड आई फील दैट दे आर गोइंग टू बी वेजिटेरियंस. आई डोंट नो, लाइक
I feel like that your spouse is going to be someone who's a vegetarian, or even if they are non-vegetarian, they can eat a lot of veggies. वो अपना नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत कम खाते हो या खाते ही ना हो, लाइक इस तरह के पर्सन है. और समहा आपके पार्टनर खाने पीने पर बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं. शायद वो खाना ही कम खाते हैं, शायद दो टाइम ही खाना खाते हैं, एक टाइम अच्छे से खाना खाते हैं, और उनको खाना खाने की नीड फील नहीं होती है. सो दिस इज़ ऑल्सो देयर, लाइक उनका जो खाने का रूटीन है, इट्स वो अगेन उनको ज़्यादा खाने का नीड नहीं लगता है. उनको ऐसा लगता है कि मेरा इतने खाने में चल जाता है, एक टाइम भी मैं खा लूँ ढंग से तो चल जाता है मेरा. तो उनको उनका ऐसा कुछ सिस्टम है बॉडी का कि वो ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, और जब वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो लेज़ी महसूस करते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो सम हाउ आई फील इज the nature of the partner, how and when you're going to meet your partner. So we have progressions, we have journey. So after traveling to a distant place, there you meet your partner. Ya fir aapke paas partner jo hain wo kafi travel karke aayenge, and I feel ki ye jo marriage hai, jaise I see the time, I see the clock here, एंड अगेन टाइम रिप्रजेंट सैटर्न. तो सैटर्न आपके सेवेंथ हाउस या वीनस को एस्पेक्ट कर सकता है. फिर आपके धाराकार का प्लानट, स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लानट, प्लानट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, उसको एस्पेक्ट कर रहा है. तो सैटर्न हेयर आई फील इज डीलिंग योर मैरिज. मैरिज 28 के बाद यहाँ पर नजर आ रही है. 28 से लेकर 32 की एज में मैरिज यहाँ पर हो सकती है, फिर 34th ईयर में आपका मैरिज हो सकता है. बट आई फील मैरिज इज गोना बी डीलेड. जैसे हम वीनस मार्स के कंजंक्शन की भी बात कर रहे थे, जितने मलिफिक प्लैनेट्स वीनस को एस्पेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, या सेवन्थ हाउस, सेवन्थ लॉर्ड या धाराकारका को इन्फ्लुएंस करेंगे, उतना मैरिज डीले होता है. तो वीनस मार्स का कंजंक्शन भी 28 से पहले ब्रेकअप्स को, हार्ट ब्रेक्स को रिप्रेजेंट करता है. एंड हेयर एज वेल आई फील दैट देर इज़ दिस सेट्रेनियन इन्फ्लुएंस ओवर योर वीनस या धाराकारका. तो मैरिज जो है वो 28 के बाद ही होगी, पहले अर्ली मैरिज नहीं है. मैरिज इज गोना बी डीले 28 के बाद ही होगी, और 34 की एज में या 32 की एज में ऐसे यहाँ पर नज़र आ रहा है. देन वी हैव द साइन ऑफ वर्गो. आई फील इफ यू आर ऑलरेडी इन अ मैरिजेबल एज एंड इफ़ यू आर 28 प्लस पाइल वन, तो मैरिज जो है वो अभी से 6 months बाद अब अपने पार्टनर से मिल सकते हो. अभी से 6 months बाद मैरिज हो सकते हैं इफ़ यू आर 28 प्लस. तो ऑलराइट, यू कैन बी 35, यू कैन बी 38, यू कैन बी 30, वट एवर योर एज इज़. 28 के बाद जो भी, मतलब अगर आप 28 प्लस हो तो अभी से 6 months बाद यू कैन मीट समवन, यू कैन मीट योर लाइफ पार्टनर, और वो पर्सन या आप समहाउ ट्रैवल करोगे बिफोर मीटिंग ईच अदर. और आई फील दैट योर सेवन्थ लॉर्ड कैन इवन बी इन द 6th हाउस. ऑलराइट, इसका भी इंडिकेशन है. एंड आई फील कि आफ्टर मैरिज you know, you may have to leave your birthplace, you may have to leave your homeland, या फिर आपके partner को अपना homeland या birthplace छोड़ना पड़ेगा. एक को तो अपना you know birthplace छोड़ना ही पड़ेगा, because both of you live really like far away from each other. Local नहीं रहते आपके partner. So this is the indication. And your Saturn can be in the Virgo sign, या Saturn can be in the 6th house. जो spouse है, I feel that they can work, they can do some audit work, management related work, sorting things out, can be a lawyer, can be a doctor, can be someone जो उनका परिवार agriculture से related काम कर सकता है. Alright, so इस तरह careers यहाँ पर नज़र आ रहे हैं partner के. And yeah, this is what we are getting. And how, like, what else, what more information we can get about your partner. And I feel that this is like a completely an arranged marriage, ya fir love cum arranged marriage hogi. Like apne aap apne partner se apne parivar ke through mil sakte ho, apne mama ya maasi ke through mil sakte ho, because jo Virgo sign hai, 6th house hai, wo mama maasi ka ghar hai, ya house hai, sign hai. ऑल राइट, तो उनके थ्रू मिलो, या बेसिकली अपनी फैमिली के थ्रू आप मिलते हुए नज़र आ रहे हो. और देन यू फॉल इन लव विद दिस पर्सन, दे रे लाइक यू अ लॉट, दे ऑल्सो फॉल इन लव विद यू.
तो आज की डेट में ऐसा तो नहीं है कि अरेंज मैरिज है तो एक दूसरे की फोटो देखें एंड देन यू गाइज आर गेटिंग मैरिड, द फैमिली सेज दैट यू शुड गेट मैरिड. वो सीन तो नहीं है, वो तो टाइम नहीं है. अब तो द बॉय एंड गर्ल मीट्स एंड इफ दे फील लाइक दैट वी कैन मेक थिंग्स वर्क आउट तो दे गेट मैरिड. तो यहाँ पर यू विल लाइक योर पार्टनर, इस वजह से यू विल गेट मैरिड टू देम, ऐसा सिचुएशन है. सो इट कैन बी कम्प्लीटली अरेंज मैरिज, कम्प्लीटली एन अरेंज मैरिज, या फिर इट विल बी लव कम अरेंज मैरिज. सो ये इंडिकेशन है. देन वी हैव अबंडेंस कार्ड. सो मैरिज ब्रिंग्स अबंडेंस इन योर लाइफ, पाइल वन. कि अबंडेंस ऐसे है कि सेवन्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में हो सकता है, ऑलराइट, क्योंकि नाइन्थ हाउस लक एंड फॉर्चून, भाग्य देखा है. सेवन्थ हाउस सेवन्थ लॉर्ड स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है. अगर सेवन्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस से है, नाइन्थ हाउस में प्लेस है, तो शोज भाग्योदय हैपन्स आफ्टर मैरिज. मैरिज ब्रिंग्स लॉर्ड ऑफ अबंडेंस इन अ पर्सनस लाइफ. ऐसा प्लेसमेंट आपके चार्ट में हो सकता है, पाइल वन, और आपके स्पाउस के चार्ट में भी कुछ ऐसा प्लेसमेंट हो सकता है. और अबंडेंस का इन जनरल इट शोज कि लाइफ में जो है मनी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी मैरिज के बाद. लाइफ में जो है जो सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी आफ्टर मैरिज. लाइफ अबंडेंट रहेगी, अच्छी रहेगी. करियर समहाउ एक्टिवेट होता है आफ्टर मैरिज. ऐसा हो सकता है यू हैव इन द सेवेंथ हाउस ऑफ मैरिज यू हैव केप्रिकॉन साइन, ऑल राइट. यानी कि आप एक कैंसर राइजिंग पर्सन हो तो सेवन्थ हाउस में केप्रिकॉन साइन है. जैसे ही सेवन्थ हाउस ऑफ मैरिज को आप एक्टिवेट करते हो, यानी जैसे ही आप मैरिज करते हो तो सेवन्थ हाउस एक्टिवेट होता है, उसके अंदर केप्रिकॉन साइन है, तो यानी करियर एक्टिवेट होता है. तो ऐसा प्लेसमेंट आपके चार्ट में हो सकता है. या फिर लीब्रा साइन आपका टेंथ हाउस में प्लेस है. टेंथ हाउस कर्म का है, करियर का है, फेम का है. तो जैसे ही मैरिज करते हो तो लीब्रा अगेन, विच इज़ द सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज एंड यूनियनशिप, वो एक्टिवेट होता है. तो टेंथ हाउस एक्टिवेट होता है जो कि करियर का है. तो करियर में आप अच्छा करते हो, करियर में फेम मिलता है, बॉसेस और कोवर्कर्स के साथ रिलेशनशिप सडनली बहुत अच्छा हो जाता है, आपको अपना वर्क का क्रेडिट मिलना शुरू होता है. तो ऐसा सिचुएशंस होना शुरू होगा आफ्टर मैरिज. वीनस, आपका जो वीनस है, सेकंड फ्रॉम वीनस यू कैन हैव सन देयर. तो जैसे ही मैरिज करते हो फेम मिलता है, क्योंकि सेकंड फ्रॉम वीनस, जैसे ही वीनस थोड़ा आगे बढ़ता है, यानी मैरिज होती है और वीनस आगे बढ़ता है तो सन से मिलता है, तो सन फेम देगा. सो ऐसा प्लेसमेंट आपके चार्ट में हो सकता है पाइल नंबर वन, या आपके पार्टनर के चार्ट में होगा. सो ये इन्फॉर्मेशन आपके मैरिज स्पाउस के बारे में. ऑल राइट, सो आई होप यू वर एबल टू रेजोनेट विद सम थिंग्स हेयर. एंड या दैट वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग. एस्ट्रोलॉजिकली जैसे मैंने जो प्लेसमेंट्स बताई, डू लेट मी नो कि वो कैसे मैच हो रही है. एंड ऑल्सो द नक्षत्रस की अगर हम बात करें, तो द नक्षत्र ऑफ द साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ केप्रिकॉन, एक्वेरियस, एयरी, स्कॉर्पियो, टॉरस, लीब्रा, ये प्रोमिनेंट होंगे आपके और आपके स्पाउस के चार्ट में. तो जैसे एरीज में अश्विनी भरिणी, कृतिका, कृतिका स्पिल करता है. टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा. फिर वर्गो में उत्तरा, फल्गुनी, हस्ता, चित्रा, चित्रा स्पिल करता है. लीब्रा में स्वाति, विशाखा. फिर विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा. केप्रिकॉन में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. फिर धनिष्ठा स्पिल करता है क्वेरियस में. देन सतविशाख एंड पूर्व भद्रपदा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, या फिर वीनस, मार्स, जुपिटर प्लेस्ड हो सकता है, सेवन्थ लॉर्ड प्लेस्ड हो सकता है इन द बर्थ चार्ट, या D12 चार्ट, या D9 नवांश चार्ट में. सो यस, दैट वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर वन. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग, एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, आई डू एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड नक्षत्र कुंडली रीडिंग. यू कैन बुक योर सेल्फ रीडिंग फ्रॉम अ वेबसाइट. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number one, tab tak ke liye be positive. Stay happy. हेलो पायल नंबर टू. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पायल बिकॉज आपका नाम CEGJORTVY इन लेटर्स में से किसी एक लेटर से शुरू होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, उनके नेचर के बारे में कुछ बातें, क्या टैरो हमें बताना चाहता है पायल नंबर टू के लाइफ पार्टनर के बारे में, के नेचर के बारे में.
okay, I feel this card wants to come out. So if the Nine of Cups, beautiful, like Nine of Cups shows that your partner is going to be someone जिसने बहुत सारी जिसने बहुत जिसके घर पे बहुत सारी trophies और बहुत सारे जो medals होते हैं वो होंगे. मतलब आपके partner sports में, again pile number one में भी कुछ ऐसा था, sports में इंटरेस्ट रखना. एंड हेयर एज वेल पाइल नंबर टू, आपके भी पार्टनर जो है स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखेंगे, बट ऑल्सो एजुकेशन वाइज भी स्पाउस बहुत अच्छे रहे हैं. मतलब एजुकेशन में भी उन्होंने एकेडमिकली भी बहुत 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 अच्छा स्कोर करा है, जिसकी वजह से उनको अवार्ड रिवॉर्ड्स मिले हैं. स्कूल में मेडल्स जीते हैं और ट्रॉफीज़ हैं. इवन अपने कॉलेज टाइम में भी कुछ अवार्ड्स और ट्रॉफीज़ उनको मिली हो सकती हैं. जब आप उनके घर जाते हो तो यू रियलाइज दैट दे हैव मैनी मैनी ट्रॉफीज़ और सर्टिफिकेट्स और मेडल्स उन्होंने सजाए होंगे एक वॉल पर. सो या स्पाउस इज गोना बी एन ओवर अचीवर, बट दे आर ऑल्सो वेरी कंपेटिटिव इन नेचर. कंपेटिटिव इस तरह से कि दे आर द पीपल जिनको अच्छा लगता है ऐसे चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, उसमें खेलना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो बहुत एक्टिव रहे होंगे अपने स्कूल टाइम में. शुरू से ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी है, शुरू से ही पार्ट लेना उनको बहुत अच्छा लगा है. ऑफकोर्स उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा होगा और अपने दोस्तों से जीते होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ईगोइस्टिक पर्सन होंगे आपके पार्टनर, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. दे हैव दैट स्पोर्ट्समैनशिप इन देम और उनको खेलना पसंद है, उनको ऐसे चैलेंज कॉम्पिटिशन को फेस करना बहुत अच्छा लगता है. सो दे आर द पीपल हु लव्स टू प्ले, हु लव्स टू बी पार्ट ऑफ सम कॉम्पिटिशन और चैलेंज. वो जब खेलते हैं तो फिर पूरा अपना जी जान लगा के खेलते हैं. एंड वी हैव द एट ऑफ कप्स. एट ऑफ कप्स हेयर शोज दैट स्पाउस बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है, इमोशनली एज वेल, फाइनेंशियली एज वेल. शुरू से बहुत एक इंडिपेंडेंट पर्सन रहे हैं, इनका खुद का दिमाग है, खुद के बिलीफ सिस्टम्स है शुरू से, और इनके पेरेंट्स ने भी इनको कुछ इस तरीके से बड़ा करा है जहाँ पर ये चुनेंगे कि इनके लिए क्या सही है. पेरेंट्स बता तो देते ये सही है ये गलत है, मानना ना मानना उस बच्चे पर डिपेंड करता है. तो इनके पेरेंट्स ने एज सच इन पर कोई सख्ती नहीं करी है और इन्होंने अपनी चॉइसेस, अपनी लाइफ की चॉइसेस खुद जो है चूज करा है. मतलब पेरेंट्स बहुत इस पर्सन के इनके ऊपर, इनके सर के ऊपर नहीं खड़े रहते थे. लाइक दिस आई फील दैट दिस पर्सन कैन बी द यंगेस्ट अमंग हिज सिब्लिंग्स, द यंगेस्ट. तो अपने माँ बाप के हमेशा लाडले रहे हैं और इन पर कोई एज सच माँ बाप का प्रेशर नहीं रहा है कि भाई मेरे को कुछ करके दिखाना है, मेरे को अपने आप को प्रूफ करना है. ऐसा स्पाउस में इस तरह का नेचर नहीं है पार्टनर का. मतलब बहुत ईजी कूल नेचर है स्पाउस का और अगेन एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है. इनका जो ओपिनियन है, पर्सनैलिटी इनके परिवार से बहुत डिफरेंट हो सकता है. I feel that this person comes from a very chaotic family. हो सकता है इनके दो siblings हो, तीन siblings हो, या फिर ये तीन भाई बहन हो. And I feel कि इनके brothers ज़्यादा होंगे, cousins में भी इनके cousin brothers ज़्यादा होंगे. ऐसा brothers की company में person ज़्यादा रहे हैं. All right. और ये person बहुत वी कैन से कि अपने परिवार से बहुत डिफरेंट है. अगेन दे कम फ्रॉम अ फैमिली जो बहुत क्योटिक है, हर रोज़ कुछ ना कुछ चल रहा होता है. ऑफकोर्स जब एक परिवार में 7-8 जने हों, एक घर पे रहे 7-8 जने, दे आर कमिंग फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली ऑल राइट पाइल टू. तो जब 7-8 क्या 10-11-12-15 जने हों तो घर क्या, फिर तो घर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी से भरे लोगों का एक एरिया है. बट ऑल्सो देर इज़ लॉट ऑफ लव, बट ऑल्सो देर इज़ दिस केओस एंड बट दे लव टू बी पार्ट ऑफ दैट. हर रोज़ कुछ मज़ेदार हो रहा होता है. उनका चाइल्डहुड बहुत अच्छा गया है क्योंकि वो अपने कजन्स के साथ खेलते रहे हैं, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ खेलते रहे हैं और फिजिकली बहुत एक्टिव रहे हैं. दिमाग बड़ा तेज चलता है इस पर्सन का. एट द सेम टाइम बहुत नॉटी नेचर है, बहुत प्रोमिस्क्यूस हैं.
नॉटी नेचर है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज इस पर्सन के पास है, बट अपने परिवार से स्टिल बहुत डिफरेंट. एंड आई फील विद द एड ऑफ कप्स आफ्टर मैरिज दे वुड लाइक टू स्टे इन अ सेपरेट अपार्टमेंट और अ सेपरेट होम विद यू, बिकॉज दे वॉन्ट कि वो आपको अपना पूरा समय दे और आप उनको अपना पूरा समय दो. दे विल नॉट लाइक टू शेयर यू विद अदर पीपल. सो वो चाहेंगे कि आप और वो जो है, मतलब एज अ कपल, एज हस्बैंड एंड वाइफ, आप लोग एक डिफरेंट अपार्टमेंट या एक डिफरेंट घर में रहो, जॉइंट फैमिली में ना रहो. देन वी हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज कि आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक भी हुआ है. मे बी दे लाइक्ड समवन, बट उस पर्सन ने जो है रेसिप्रोकेट नहीं करी इस पर्सन की फीलिंग्स. बेसिकली इस पर्सन ने किसी को प्रपोज करा हो सकता है या किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया हो सकता है, बट दैट पर्सन रिजेक्टेड देम एंड दे फेल्ट हर्ट. दे रियली फेल्ट हर्ट. सो ऐसा सिचुएशन भी उनकी लाइफ में होएगा. एंड आई फील कि इस पर्सन ने कोई ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं आई, ये पर्सन मे बी आए ही नहीं कभी रोमांटिक रिलेशनशिप में. दे लाइक्ड समवन इन देयर स्कूल टाइम मे बी, बट फिर उसके बाद उस पर्सन ने इनको रिजेक्ट कर दिया, आपके पार्टनर को रिजेक्ट कर दिया, एंड देन दे फेल्ट हर्ट. तो फिर वो कभी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आए ही नहीं, क्योंकि दे फेल्ट कि उन जिसको पसंद करे वो शायद इनको रिजेक्ट कर दें. सो अगेन आई फील दिस इज़ एन अरेंज मैरिज, जहाँ पर परिवार के थ्रू, क्योंकि आई फील कि इस पर्सन के ऊपर ना परिवार का बहुत इन्फ्लुएंस है. आई फील दैट दिस पर्सन कैन हैव मागन, प्रोमिनेंट मागा नक्षत्र इन देयर चार्ट, और इवन पुष्या नक्षत्र इन देयर चार्ट. मागा इज़ द एम्परर, देन और आई शुड से मागा इज़ द किंग, देन पुष्या इज़ द एम्परर. मागा और पुष्या नक्षत्र जो है दोनों ही पारिवारिक नक्षत्र है, या स्पेशली मागा जो है थ्रोन ऑफ एंसेस्टर को शो करता है, अपने परिवार का बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड करना, इसको रिप्रेजेंट करता है. पुष्या भी जो है परिवार की टीचिंग्स को रिप्रेजेंट करता है. तो परिवार का आई फील इस पर्सन के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है. कैंसर लियो साइन, ये दोनों साइंस इस पर्सन के चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे. इनका सन मून राइजिंग आत्माकार का इन साइंस में प्लेस हो सकता है, कैंसर या लियो साइन में. आई फील दिस कार्ड ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम आउट. सो हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स. यस यस यस, लाइक सिक्स ऑफ स्वॉर्ड शो करता है मूव ऑन करना चीज़ों से. आई फील आप और आपके पार्टनर एक अलग अपार्टमेंट या हाउस में रहोगे, एक अलग जगह पर रहोगे, इस परिवार के परिवार से अलग रहोगे. एंड आप लोग खुद एक हो सकता है कि इवन एट ऑफ कप्स भी और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स भी ट्रैवल को शो करता है. सो ड्यू टू योर करियर, ड्यू टू योर स्पाउसेस करियर, आप लोगों को अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ सकता है. आई होप के नहीं, आई होप नहीं, आई फील पाइल नंबर टू, आप और आपके पार्टनर एक ही सिटी से हो सकते हो, एक ही स्टेट से बिलोंग कर सकते हो, पर क्योंकि करियर की वजह से आप लोग डिफरेंट जगहों पर जाओ. आई फील मतलब आपके पार्टनर लोकल रह सकते हैं जहां आप रह सकते हो, विद इन 200 किलोमीटर्स पार्टनर रहेंगे, या सेम सिटी में रह सकते हो आप लोग, इसके बहुत हाई चांसेस हैं. बट आफ्टर मैरिज देर आर ऑल्सो हाई चांसेस कि आप और आपके पार्टनर एक डिफरेंट स्टेट या सिटी में चले जाओ, एक डिफरेंट कंट्री में चले जाओ, दोनों को ही अपना बर्थ प्लेस छोड़कर जाना पड़े, परिवार छोड़कर जाना पड़े, ऐसा सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है. यू कैन हैव राहु केतु इन द फोर्थ एंड एक्सिस पाइल नंबर वन, और आपके पार्टनर के चार्ट में भी राहु केतु फोर्थ एंड एक्सिस पे हो, या 1-7 एक्सिस पे हो, मतलब राहु सेवंथ हाउस में हो, केतु फर्स्ट हाउस में हो, या राहु फर्स्ट हाउस में हो, केतु सेवंथ हाउस में हो, या राहु फोर्थ हाउस में हो, केतु टेंथ हाउस में, या फिर केतु फोर्थ हाउस में और राहु टेंथ हाउस में, ऐसा प्लेसमेंट आप और आपके पार्टनर के चार्ट में यहाँ पर नजर आ रहा है. आप और आपके पार्टनर के चार्ट में फोर्थ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड, ये जो हैं फोर्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड, ये नाइन्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में हो सकते हैं. सेवंथ लॉर्ड कैन बी इन द सिक्स्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड कैन बी इन द थर्ड हाउस, ऐसी प्लेसमेंट, या फोर्थ लॉर्ड कैन बी इन द सेवंथ हाउस, ऐसी प्लेसमेंट आप और आपके पार्टनर के चार्ट में नजर आ रही है. End of the deck में we have the devil card. Again, devil shows Rahu energy, all right? Rahu element. तो Rahu foreign places का significator है. Rahu unorthodox है, unconventional in nature है. So again here it shows कि आप लोग कहीं एक distant, far away place पर जाओ after marriage, अपने परिवारों से दूर हो गए आप दोनों ही. और devil card also gives me this message that maybe pile number two, you have this fear within you कि पता नहीं मेरी marriage work करेगी कि नहीं करेगी, मैं बंद ना जाऊँ, मेरे को गलत person से मेरी marriage ना हो जाए. Maybe you have seen many broken marriages in your family, maybe your
parents' relationship is not so good. Your mother and father can have maybe a lot of fights and arguments, or again, someone in your family are getting a divorce or can deal with separation. और कहीं ना कहीं एक बैड इम्प्रेशन है मैरिज का आपके मन में, एंड यू फील कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए. डेविल वो एक अननेसेसरी फियर, अननेसेसरी मतलब ऐसी सोचते रहो, नेगेटिव सोचते रहो, उस सोच को, नेगेटिव सोच को रिप्रेजेंट करता है. और ये मैरिज के लिए कार्ड आया है तो यू काइंड ऑफ फील दैट मैरिज इज़ नॉट द बेस्ट थिंग, नॉट एवरी वन इज़ मेंट फॉर मैरिज. बिल्कुल सही बात है कि नॉट एवरी वन इज़ बिल्ड फॉर अ मैरिज. हर कोई जो है लाइक मैरिज इज़ नॉट कप ऑफ टी फॉर एवरी वन. बिल्कुल बात सही है. बट पाइल नंबर टू, मैरिज आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह होगा. ये यहाँ पर शो हो रहा है, मैरिज इज़ गोन बी लाइक ऑफ अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ. यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग एवरीथिंग, सो स्टॉप डूइंग इट. ऑल राइट, इट इज़ जस्ट गिविंग यू एन्जाइटी, सो स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव अबाउट मैरिज. मैरिज अच्छा है, मैरिड लाइफ अच्छा है. स्पाउस इज समवन जो बहुत आपको अंडरस्टैंड करेंगे और इनफैक्ट आपकी लाइफ में जॉय ऐड करते हैं, एडवेंचर ऐड करते हैं, नई नई चीज़ें हर रोज़ करना स्पाउस को बहुत पसंद है, तो आपको बोर नहीं होने देंगे. दे आर द पीपल जो जिनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, जो टॉन्ट नहीं करेंगे. एक लाइन जो होती है ना जिसको हमें पार नहीं करना चाहिए, उस लाइन को पार स्पाउस नहीं करेंगे. And we have North Node. It says future. So pile number two here, the North Node is like North Node Rahu hai, okay? Rahu future ko show karta hai, Ketu past ko show karta hai. So North Node Rahu here is again showing this devil card. Maybe what devil card aaya tha end of the deck mein, jo ki Rahu card tha. So Rahu ka influence bahut zyada hai aapke chart mein marriage ke mamle mein. It can happen Venus Rahu ka conjunction ho aapke chart mein, ya aapke partner ke chart mein Venus Rahu ka conjunction ho, seventh lord ya dharakar ka planet holding the lowest degree in your chart, jo aapke स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, वो राहु के साथ कंजंक्ट हो, या राहु और सेवेंथ लॉर्ड या धारकार का या वीनस या मार्स, ये 5-9 प्लेसेस फ्रॉम ईच अदर हो, ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, ऐसा प्लेसमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है. यानी कि जैसे राहु असेंडेंट में है तो वीनस फिफ्थ हाउस में हो, या मार्स, वीनस वाइफ है, मार्स हस्बैंड है. तो इफ़ यू आर अ फीमेल लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, तो आप अपने मार्स को देख सकते हो कि मार्स जो है हो सकता है नाइन्थ हाउस में और राहु असेंडेंट में हो. तो अगेन ये शो करता है कि इन्फ्लुएंस है राहु का मार्स पर. यानी जिस पर्सन से आप मैरिज करो पाइल नंबर टू, वो पर्सन आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के नहीं होंगे, या फिर वो बहुत अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स थाट्स वाले पर्सन होंगे, बिलीफ सिस्टम वाले पर्सन होंगे. सेवेंथ लॉर्ड राहु के साथ हो सकता है. अगेन इट शोस कि स्पाउस आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के ना हों, बहुत या फिर बहुत अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स इन नेचर हों. राहु सेवेंथ हाउस में हो सकता है, या लीब्रा साइन में प्लेस हो सकता है आपके चार्ट में पाइल नंबर टू, या आपके स्पाउस के चार्ट में. देन वी हैव यूरेनस. इट सेज चेंज. सो फ्यूचर का कार्ड, मतलब यहाँ पर फ्यूचर लिखा है और यहाँ पर इस कार्ड में चेंज लिखा है, तो ये शो करता है कि डेफिनेटली चेंज ऑफ प्लेस यहाँ पर है. फ्यूचर में आप कहीं और रह रहे हो, किसी और जगह पर रह रहे हो, किसी और स्टेट या सिटी या किसी और कंट्री में रह रहे हो. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हेयर, समथिंग अबाउट कि भाई यहाँ पर आप अपने लाइफ पार्टनर से कब मिलते हो. If you are running a marriageable age, pile number two, if you are ready for marriage, you are running a marriageable age, है ना, you are ready for marriage. तो marriage कब होती है, कब आप अपने partner से मिलते हो. So we see duality. So 2025, या फिर अभी से 5 months from now, you can meet your life partner. All right, and it says duality, self-awareness, observe, release. So duality, this is the first dual sign is Gemini. Gemini third house of younger siblings ko show karta, short distance travels ko show karta. So after doing a short distance travel, you may meet your partner. Ya partner ek short distance travel karke aayenge aur aapse milenge. Iska yahan par indication nazar aa raha hai. Gemini again hamare friend circle ko show karta, hamare younger siblings ko show karta. To aap apne younger sibling ke through ya aap apne friend circle ke through apne life partner पार्टनर से मिलो. जेमिनी साइन अगेन सोशल मीडिया को शो करता है, तो सोशल मीडिया जो है, अगेन वेदर इट्स एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया, आप उसके थ्रू मिल सकते हो. बट जैसे आज की डेट में जेमिनी मैट्रिमोनियल साइट्स को भी शो करता है, ऑलराइट, ये डेटिंग साइट्स को शो करता है, या आपके इंस्टाग्राम या यूट्यूब को भी शो करता है जेमिनी.
तो बेसिकली इन साइट्स के थ्रू, डेटिंग साइट्स या मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू, या अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलो, इसका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है. Then we have renewal. It says renewal, rhythm, healing, rest. We have number 7 here. So I do feel कि जो जैसे social media के through कुछ dating sites या matrimonial sites, अपने friend circle उसी इन्हीं के through आप अपने life partner से मिल रहे हो. और and also one more thing, if you are on a dating site or if you are on a matrimonial site, ये guidance है कि आपको जो है ज़रूर ज़रूर अपनी profile को update करना चाहिए, अपनी नई pictures वहाँ पर upload करनी चाहिए, अपने बारे में कुछ और information वहाँ ज़रूर देनी चाहिए, अपना जो profile उसको renew करो, ये यहाँ पर strong guidance है. Alright, something more about the partner. अभी से 5 months या 2025 में आप मिल सकते हो, इसके हाई चांसेस हैं इफ यू आर रनिंग अ मैरिजेबल एज. देन वी हैव द ईगल किंग. इट सेज द बिग पिक्चर एंजेलिक हेल्प. सो योर पार्टनर इज समवन हु कैन ग्रैब अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम फार अवे, इज़ ऑलवेज द पर्सन हु लुक्स एट द बिग पिक्चर. यानी वो लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं, वो छोटी छोटी बातों की वजह से चिढ़ते नहीं हैं, अपना खून नहीं जलाते, छोटी छोटी बातों से उनका पीस ऑफ माइंड नहीं जाता है, वो बिग पिक्चर पर फोकस करते हैं हमेशा. एंड आई फील पाइल नंबर टू, यू कैन बी समवन जो छोटी छोटी बातों से इरीटेट हो सकते हैं, वेयर इज योर पार्टनर इज गोइंग टू बी समवन जो ऐसे नहीं होंगे, वो छोटी बातों से बिल्कुल इरीटेट नहीं होते हैं. एंड देन वी हैव द प्रिजन wave, I don't know how to pronounce this. So it says self-sabotage, poverty, consciousness. So it shows pile number two that your partner wants to earn a lot of money, wants to buy the name brand clothes, name brand watches, wants to wear the best to best clothes, want to own like the best car, want to have a big house, big home. तो ये चीज़ें वो चाहेंगे, लग्जरी लाइफ आपके पार्टनर चाहेंगे, और इस वजह से वो बहुत एफर्ट करेंगे मनी अर्न करने का. और उन आई फील दैट दे आर इन बिजनेस एंड दे नो दैट कि अगर मैं थोड़ा और एफर्ट करूँ तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ. आई फील दैट दे विल बी एबल टू स्प्रेड देयर बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. क्योंकि यहाँ जेमिनी का भी एक साइन डुअलिटी है. जेमिनी जो है वो कनेक्शंस को, इंटरनेट को, बेसिकली किसी चीज़ को स्प्रेड करना थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू राइटिंग या थ्रू सोशल मीडिया, मतलब ये या डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में स्पाउस बहुत तेज़ है. बिजनेस में स्पाउस का शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा है एंड स्पाउस विल बी वेरी गुड एट सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों में स्पाउस बहुत बहुत अच्छे होंगे. और अगेन एक मर्क्यूरियस नेचर स्पाउस का यहाँ पर आपके सारे कार्ड्स में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. योर धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी मर्क्यूरी पाइल नंबर 2, जो कि अगेन यही है कि स्पाउस कम्युनिकेशन स्किल्स, मीडिया, मार्केटिंग, बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं एंड दे वांट टू स्प्रेड देयर बिजनेस इन द वर्ल्ड. तो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन भी और एक लाइफ लॉन्ग लर्नर है. मर्करी एजुकेशन का सिग्निफिकेटर है, इंफॉर्मेशन का सिग्निफिकेटर है, क्विक लर्नर, स्ट्रीट स्मार्ट होना. तो इस तरीके के नेचर के स्पाउस यहाँ पर होंगे आपके. और स्पाउस यूथफुल दिखेंगे, इवन दो वो अपनी 40s में एंटर करे, स्टिल ही इज गोइंग टू लुक लाइक और शी इज गोइंग टू लुक लाइक दे आर इन देयर 30s. तो स्पाउस हमेशा यूथफुल रहेंगे अपीयरेंस में, कुछ ना कुछ लाइफ में सीखते रहेंगे. एट द एज ऑफ 50 एज वेल ही और शी विल बी डूइंग सम कोर्स, लर्निंग सम थिंग. तो इस नेचर के या ये क्वालिटीज जो हैं स्पाउस के अंदर होंगी. एंड अगेन यू कैन मीट योर पार्टनर 5 months फ्रॉम नाउ और इन 2025 यू कैन मीट योर पार्टनर. इवन 2028 ऑल्सो बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट ईयर फॉर मैरिज टू हैपन. या मैरिज में कुछ एक नेक्स्ट लेवल पर आप जा रहे हो मैरिज में अपने लाइफ पार्टनर के साथ 2028 में, दैट कैन हैपन. बट 2028 ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर योर मैरिज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समथिंग मोर, वी हैव डिस्टेंस. इट सेज फोकस ऑन द बिग पिक्चर. यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा हुआ, इफ यू कैन सी, फोकस ऑन द बिग पिक्चर. देन इट सेज टेक अ ट्रिप,
create distance. So I do feel that you guys will not live where you are living after marriage. आप दोनों को ही अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा और एक distant far away place पर जाना पड़ेगा, different state या city या country में जाना पड़ेगा. अपने परिवार से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे. And again, spouse is someone who focuses on the big picture, who focuses कि भाई अगर मैं अपने परिवार से दूर जाता हूँ तो क्या फ़ायदा है मुझे, मुझे मनी का फ़ायदा है, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा बनता है, मैं एक लग्जरी लाइफ जी पाऊँगा, मैं उस तरीके से लाइफ जी पाऊँगा या जी पाऊँगी जिस तरीके से मैं जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ. दे फील मोर फ्रीडम वेन दे आर अवे फ्रॉम देयर फैमिली. तो ऐसा ऐसा जो है ना स्पाउस का बिलीफ सिस्टम है, माइंड सेट है. स्पाउस को घूमने फिरने के बहुत शौकीन है स्पाउस, बहुत ज़्यादा. दे लव टू ट्रैवल. सो दिस इज़ यू नो वॉट वी आर गेटिंग, वेरी फन लविंग, लाइट एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, ऐसा स्पाउस का एनर्जी है, ऐसे स्पाउस है. ऑल राइट, पाइल नंबर टू. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो एरी साइन, मतलब आपका जो सेवन्थ लॉर्ड है, वीनस है, मार्स है, धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, वो है ये एरी साइन में प्लेस हो सकता है. इवन कैंसर, लियो, जेमिनी में प्लेस्ड हो सकता है, टॉरस में प्लेस्ड हो सकता है, स्कॉर्पियो में प्लेस्ड हो सकता है. और आपके पार्टनर के चार्ट में भी ये साइंस प्रोमिनेंट होंगे, इन साइंस में उनके प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. कृतिका स्पिल करता है टॉरस में, रोहिणी, मृगशिरा, फिर मृगशिरा स्पिल करता है जेमिनी में, आर्द्रा, फिर पुनर्वासु, फिर पुनर्वासु स्पिल करता है कैंसर में, फिर कैंसर में पुनर्वासु, पुष्या, श्लेषा, फिर लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, फिर उत्तर फाल्गुनी. इवन या वर्गो साइंस आल्सो सीम टू बी प्रोमिनेंट. वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. तो ये इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके प्लैनेट सनमून राइजिंग, आत्माकार का सेंडेंट लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड वीनस, धाराकार का, इन साइंस इन नक्षत्रास में डी1, डी12 या डी9 नवंबर चार्ट में प्लेस होंगे. और यही साइन आपके पार्टनर के चार्ट में भी बहुत प्रोमिनेंट होंगे, यानी उनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे पार्टनर के चार्ट में, इन साइंस एंड नक्षत्र में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, आई डू आस्क टैरो रीडिंग एंड नक्षत्र कुंडली रीडिंग. यू कैन बुक योर सेल्फ अ रीडिंग फ्रॉम अ वेबसाइट एंड the link to the website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number two. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो पाइल नंबर थ्री, दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल क्योंकि आपका नाम BFHKNQUX इन लेटर्स में से किसी एक लेटर से शुरू होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस, योर लाइफ पार्टनर इज़ गोना बी लाइक, उनके नेचर के बारे में कुछ यहाँ इंफॉर्मेशन टैरो हमें देना चाहे. कुछ इंफॉर्मेशन के नेचर के बारे में, पाइल नंबर थ्री के स्पाउस के नेचर के बारे में. ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, योर स्पाउस सीम्स टू बी समवन हु लव्स मनी एंड इज अ नेचुरल बॉर्न एंटरप्रेन्योर. लिटरली योर स्पाउस नोज हाउ टू मेक मनी. जैसे बचपन में ऐसा हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं उनको ये रियलाइज हुआ हो कि ये जो लेमिनेट है या ये जो नींबू पानी का ग्लास है, इसको अगर मैं बनाऊं और इसको मैं बेचूं तो मेरे को बहुत पैसे का फ़ायदा हो सकता है. नींबू और पानी और नमक, ये कितना ही महंगा है, पर मैं इससे इसको अगर नींबू पानी बनाओ और इसको बेचो तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ सकते हैं. सो ही वुड हैव स्टार्टेड अ स्टॉल एट अ वेरी यंग एज, समर वेकेशन के टाइम पर, या फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि ये इसका रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल को मैं इकट्ठा करके ये बनाऊँ तो मैं बड़ी एक वैल्यूएबल चीज़ बना सकता हूँ. एक दे विल नो कि ये जो रॉ मटेरियल है इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, बट इफ़ आई यू नो कम अप विद सम आइडिया एंड मेक समथिंग अप, आई कैन मेक समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस नॉन वैल्यूएबल थिंग्स. तो ही और शी वुड हैव रियलाइज दिस और
उनको पैसे कमाने का शुरू से ही शौक था, एट अ वेरी यंग एज उन्होंने मनी अर्न करना शुरू कर दिया होगा, और उनको एज सच एजुकेशन में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा, और इस वजह से उनको उन्होंने इतना एफर्ट नहीं करा अपने एजुकेशन में, और इस वजह से उनके बहुत कोई ख़ास अच्छे नंबर नहीं आते थे स्कूल में, क्योंकि उनको था बस मुझे समहाउ आई हैव टू अर्न मनी, दैट इज़ व्हाट आई नीड टू डू. सो बहुत एक बिजनेस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड पर्सन रहे हैं आपके पार्टनर, और उनको पता है कि कैसे बिजनेस को सेटअप करा जाए. पास लाइफ से भी ऑफकोर्स जो सोल है वो अपने संस्कार लेकर आती है, तो उनका पास्ट लाइफ में स्ट्रॉन्ग संस्कार है. हो सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर पास्ट लाइफ में पैसे कमाते कमाते आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ गया होगा, तो पैसे कमाने का या बिजनेस करने का जो संस्कार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. उनको पता है किसी भी तरीके से वो मनी अर्न कर सकते हैं पार्टनर, उनके पास वो एबिलिटी है. बात करने में स्पाउस बहुत डिप्लोमैटिक भी हैं, बट एट द सेम टाइम ही हैज हिज और शी हैज दे हैव अ वे विद द वर्ड्स, दे हैव द वे विद द वर्ड्स. उनको पता है क्या शब्द बोलने हैं, कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करने, कैसे बात करने, लाइक ही और शी विल नो दिस. एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स. योर पार्टनर इज ऑल्सो समवन हु वैल्यूज फैमिली, इज अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, मे नॉट हैव सो मेनी फ्रेंड्स, वो फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. फैमिली उनको खुशी, मतलब खुशी होती है उनको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए. अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे स्पाउस, सिबलिंग्स के इतना ज़्यादा नहीं, बट अपने पेरेंट्स से बहुत 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 ज़्यादा क्लोज होंगे, बहुत क्लोज, स्पेशली अपने फादर से बहुत क्लोज होंगे पार्टनर. देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स. इट सेज व्हाई मेक थिंग्स सो मच मोर डिफिकल्ट देन दे नीड टू बी. सो 10 ऑफ वॉन्ड्स ना शो करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ. सो आई फील दैट योर स्पाउस कैन बी द एल्डेस्ट अमंग देयर सिबलिंग्स, और दे विल बिहेव लाइक द एल्डर वन. They are going to be very protective and possessive about their young ones, of their love, of their family, of their siblings. Spouse ko shuru se hi ek sense of responsibility raha hai. Jaise unke younger sibling born hue honge, they would have become responsible, they would have become an adult. To kafi ek responsible person hai. Aur spouse jo hai ek obedient सन या ओबीडियंट डॉटर है. अगर लाइक आई फील पाइल नंबर 3 दैट यू कैन हैव सन वीनस कंजंक्शन इन योर चार्ट या सन मार्स कंजंक्शन इन योर चार्ट. जैसे मार्स हस्बैंड है इन अ फीमेल्स चार्ट, ऑलराइट, इफ़ यू आर अ फीमेल एंड लुकिंग फॉर अ हस्बैंड और आपके चार्ट में सन मार्स का कंजंक्शन है, सन होता है फादर, मार्स होता है हस्बैंड, इट शोज कि जो स्पाउस के फादर होंगे ना और जो स्पाउस होंगे, ये दोनों बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे से, बहुत क्लोज. दे कैन वर्क टुगेदर, दे मे वर्क टुगेदर, और योर स्पाउस में वर्क अंडर द फादर, या बहुत क्लोज होंगे स्पाउस अपने फादर के. या आपके चार्ट में सन वीनस का कंजंक्शन है पाइल नंबर 3, तो अगेन सन इज़ फादर, वीनस इज़ वाइफ इन अ मेल्स चार्ट, वीनस इज़ द फीमेल. सो सन वीनस का कंजंक्शन एंड यू आर अ मेल लुकिंग फॉर अ वाइफ, तो ये सिग्निफाई करता है कि वाइफ बहुत क्लोज होंगी अपने फादर से. इनफैक्ट वाइफ की, वाइफ का चेहरा जो है अपने फादर से बहुत मिलेगा. सन मार्स का कंजंक्शन एंड यू आर लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, तो फिर आपके स्पाउस का चेहरा उनके फादर से बहुत मिलेगा, स्पाउस के फादर से बहुत मिलेगा, बहुत क्लोज होंगे. दिस कैन बी सीन. एंड ऑफ द डेक में वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स. टू ऑफ वॉन्ड्स जो है शो करता है कि स्पाउस बहुत प्लान करते हैं, स्ट्रेटजाइज करते हैं कि फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, मतलब फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं कि अच्छा मनी हो. अगर कोई हेल्थ इशू हो तो हमारे पास मनी हो कि हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा पाए. तो मतलब नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन के लिए भी हम रेडी हो, फाइनेंशियली हम रेडी हो, हमारे पास इतना मनी होना चाहिए. तो इस तरीके के ख्याल स्पाउस में बहुत हैं, और अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं. स्पाउस कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस रखते हैं कि भाई अगर मैं मेहनत करूं तो मेरी आगे वाली जो जनरेशन्स वो बैठकर खा पाएं, मतलब मैं इतना मनी अर्न कर पाऊं कि मेरी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां, उनको मेहनत ना करनी पड़े. तो इस तरह के सोच विचार वाले पर्सन आपके पार्टनर, आपके स्पाउस होंगे. फ्यूचर का बहुत सोच के चलते हैं,
और उस हिसाब से वो मनी को बहुत सेव भी करते हैं। तो स्पाउस स्टिंजी होंगे, जल्दी से पैसे खर्चेंगे नहीं, बट जैसे किंग नाइट सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मैं इसको बार बार ना किंग ऑफ पेंटिकल्स कही जा रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ही दे रही हूँ, सो डोंट वरी इट्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पर मैं बोल किंग ऑफ पेंटिकल्स रही थी, बट डिस्क्रिप्शन अगेन आई वॉज गिविंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स ओनली। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसा एक सेटेरेनियन कार्ड होता है, सैटर्न हमेशा ना आगे की सोच के चलता है, सैटर्न समय है तो हमेशा आगे की सोच कर चलता है सैटर्न, और इस वजह से बहुत हार्ड वर्किंग होता है। तो वही सारी हमने बातें शुरू में कही भी, मनी ओरिएंटेड होता है, करियर ओरिएंटेड होता है सैटर्न, तो वही सारी हमने बातें कही। बिजनेस के बारे में हमने बात इसलिए करी क्योंकि सैटर्न गेट एग्जॉल्टेड इन लीब्रा साइन जो कि बिजनेस का साइन है, सो वो सारी हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ही बात कर रहे थे। सो आई अपोलोजाइज कि मैंने यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स कहा हो तो। सो बेसिकली फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर को लेकर सेव करना और पैसे जल्दी से खर्चना नहीं, इस तरह के नेचर के स्पाउस होंगे। जहाँ पर खर्चना है वहाँ शाक की तरह खर्चते हैं, पर जहाँ पर नहीं खर्चना चाहिए वहाँ पर एक पैसा नहीं खर्चते, इस तरीके के स्पाउस होंगे। सो समथिंग मोर अबाउट स्पाउसेस नेचर, अबाउट देयर लाइफ। So we have elder. I told you your spouse can be the eldest among his siblings or he'll behave like the elder one. Move beyond ancestral patterns. So yes, जो उनके ancestors रहे थे, शायद उनके ancestor इतना कोई money property नहीं छोड़ के गए, so him or her being the ancestor of the future generation है ना, आने वाली आगे की generation है, उनके स्पाउस ऑफकोर्स एंसेस्टर होंगे, तो कुछ अच्छा करके जाना चाहते हैं, कोई अच्छा लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अपने आने वाली जनरेशन को देकर जाना चाहते हैं, और दे आर द पीपल जो कि अपने अपने जो ऐसा हाउ कैन आई पुट इट, हर परिवार का एक स्ट्रॉन्ग कोई बिलीफ सिस्टम होता है ना, जैसे हमारे भारत में ऐसे गोत्र का सिस्टम है ना, गोत्र सिस्टम, तो कोई गोत्र में कोई सी क्वालिटी होगी और किसी गोत्र में किसी और तरह की क्वालिटी होगी, कोई गोत्र किसी बिलीफ सिस्टम का है, कोई गोत्र किसी और बिलीफ सिस्टम का है ना, तो उस जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उसको समहाउ स्पाउस ब्रेक करेंगे और एक अलग बिलीफ सिस्टम अपना क्रिएट करेंगे, वो जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है अगेन उसको ब्रेक करेंगे स्पाउस। Then we have the High Priestess. It says harness mystic power. So your spouse is also going to be someone who's going to be interested in astrology, occult, mysticism. I do feel ki pile number 3 aapke spouse ke chart mein sign of Scorpio bahut prominent hoga, yani sun moon rising atmakar ka ascendant lord unke Scorpio sign mein placed ho sakte hain, especially jyeshtha nakshatra mein, kyunki jyeshtha ek na shakki nature ko show karta hai, jyeshtha nakshatra ek shakki personality wala nakshatra hai, इंद्रा का नक्षत्र, इंद्रा यूज़ टू कीप एन आई ऑन एवरी वन बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी 10 steps अहेड ऑफ एवरी वन, उसको हमेशा ऐसा लग रहा होता था इंद्रा को कि मेरी कोई सीट ले जाएगा, मेरी सीट ऑफ पावर चली जाएगी, तो मतलब इंद्रा को हमेशा एक इनसिक्योरिटी ये रहती थी। तो हेयर विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड इन मिस्टिक पावर, और अगेन ज्येष्ठ नक्षत्र वाले लोग जो हैं वो एल्डेस्ट होते हैं अपने सिबलिंग्स में, या फिर अगर वो एल्डेस्ट नहीं भी है तो सबसे आखिर में जाकर उनकी डेथ होती है, यानी उनसे पहले उनके सिबलिंग्स की डेथ होगी एंड दे बिकम द एल्डेस्ट, सो ऐसा सिचुएशन होता है। तो पाइल नंबर 3 आपके स्पाउस का जो लाइफ है वो बहुत लंबा है, लॉन्ग लाइफ जिएंगे आपके पार्टनर, और एस्ट्रोलॉजी अकल्ट मिस्टिसिज्म में बहुत इंटरेस्ट रखेंगे, उनके कोई फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी होंगे, और जो पार्टनर हैं दे आर गोना बी इंटरेस्टेड इन मिस्टिकल पावर्स, दे डू बिलीव इन घोस्ट और सोल्स, स्पिरिट, तंत्रा, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, लाइक दे डू बिलीव इन दीज थिंग्स। स्पाउस जो हैं और उनका जो परिवार है, दे कैन बी बिग डिवोटीज ऑफ सम गॉडेस, वेदर इट्स गॉडेस काली और सम गॉडेस, आर गोना बी वेरी मच लाइक दे आर गोना बी डिवोटीज ऑफ दैट गॉडेस। उनके परिवार में फीमेल्स का बड़ा वैल्यू है, बड़ा मान सम्मान है, और जिस परिवार में या जिस सोसाइटी में फीमेल्स का बहुत मान सम्मान होता है वो सोसाइटी आगे बढ़ती है, उनको कभी धन की, उनको कभी मनी की कमी नहीं होती है, वो सोसाइटी बहुत आगे बढ़ती है। इस वजह से हमारे कल्चर जो है भारत का वो जैसे अष्ट रत्नों की बात होती है, देवियों की बात होती है,
तो बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड देवियों को मिलता है, और फीमेल राइट्स पर बहुत बात होती है. तो इंडिया इज़ अ प्लेस जो, इंडिया इज़ अ कंट्री जो बहुत आगे बढ़ता है और आगे बढ़ेगा, और पुरानिक टाइम में भी बहुत आगे रहा है ड्यू टू दिस बिलीफ सिस्टम दैट विमेन आर यू नो हाइएस्ट इंडिविजुअल्स, दे आर बेटर एंड पूजनीय है, मतलब पूजनीय लायक है, पूजा करने लायक है, मंदिर लायक है. ये जो थॉट प्रोसेस है ये हमेशा आगे बढ़ाता है, इस तरह का थॉट प्रोसेस, क्योंकि फीमेल जो है इधर से ही ग्रोथ होता है. मतलब फीमेल इज समवन हु गिव्स बर्थ, एंड फीमेल जो है वो अगेन ग्रोथ और नॉलेज का सिग्निफिकेटर माना गया है. सो फीमेल इज़ यू नो समवन जो बहुत पावरफुल है, इस वजह से उनका वैल्यू करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट रिगार्ड करना चाहिए. तो इस थॉट प्रोसेस वाले जो है स्पाउस और स्पाउस का परिवार होगा, और जो आई सी विद द हार्नेस ऑफ मिस्टिक पावर, आई फील के जैसे किसी देवी के अगेन वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोटी होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोटी. समथिंग मोर अबाउट पाइल नंबर थ्रीज लाइफ पार्टनर, कब और कैसे मिलते हैं पाइल नंबर थ्री को, पाइल नंबर थ्री के लाइफ पार्टनर कब और कैसे कहाँ, all that. So we have kinship, teamwork, connection, sharing, supporting. So एक family card है again kinship का. So परिवार के through आप अपने life partner को मिलोगे, यानी एक arranged marriage नज़र आ रही है. So yeah, your family will like your spouse's family, spouse की family को आपका परिवार बहुत अच्छा लगेगा, और again एक परिवार के through यहाँ पर आपकी marriage होती हुई नज़र आ रही है. And again your spouse is someone who will support you a lot and will share their wealth with you, will share their thoughts, belief systems with you, and will also accept your belief systems, pile number three. Bahut supporting nature hoga partner ka. Then we have possibility, connect, infinite soul path. So you will feel a soul connection with your life partner. Ketu Venus ka conjunction aapke chart mein ho sakta hai, pile number three. Phir Ketu is एस्पेक्टिंग वीनस, या केतु वीनस का कॉम्बिनेशन हो. लेट्स से केतु फर्स्ट हाउस में, तो वीनस फिफ्थ हाउस में हो, मतलब ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो केतु वीनस. तो ऐसा प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगा, केतु वीनस का कंजंक्शन होगा, एंड यू विल फील अगेन अ सोल कनेक्शन विद देम. देन वी हैव कॉन्फिडेंस, इट्स एस अश्योर्ड मोटिवेशन, वननेस, पॉजिटिविटी. स्पाउस आपका ईगो बूस्ट करते हैं, आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराते हैं, और स्पाउस आपको मोटिवेट करते हैं. फील मार्स कैन बी अ धाराकार का प्लानट, पाइल नंबर थ्री प्लानट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी मार्स. मार्स हमेशा मोटिवेशन को शो करता है, एग्रेसिव फॉरवर्ड मूवमेंट को शो करता है, कॉन्फिडेंस को शो करता है, वननेस को शो करता है. सो स्पाउस जो है इस नेचर के होंगे, मार्सेशन क्वालिटीज़ उनके अंदर होगी. स्पाउस जो है दे गिव यू पॉजिटिविटी इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स. तो इस तरह की नेचर होगी स्पाउस की आपके प्रति. समथिंग मोर अबाउट द पार्टनर, सो वी हैव सोर, इट्स एज कॉन्फिडेंस ब्लॉक्स रिमूव्ड करेज. सो अगेन करेज एक मार्सेशन क्वालिटी है, मार्स सोल्जर को रिप्रेजेंट करता है, सोल्जर के पास ऑफकोर्स करेज होता है. तो पार्टनर बहुत करेजस होंगे नेचर में, वो डरते नहीं किसी से, और स्पाउस जो हैं वो अगेन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है, वो दूसरों की धमकियों से या दूसरों की बातों से कभी भी डरते नहीं हैं. और अगर उनको कोई कहते ना ये बहुत मुश्किल टास्क है, तो स्पाउस वो चीज़ ज़रूर करते हैं, बिकॉज दे वुड वांट टू सी क्या मुश्किल है इसमें, क्या इतनी चीज़ जो मुश्किल है, जो ये पर्सन मुश्किल कही जा रहे हैं. लाइक दे आर द पीपल हु लाइक्स टू फेस द चैलेंजेस. स्पाउस इज़ ऑल्सो समवन जो जिम जाते हो या कोई फिजिकल वर्कआउट करते हो, उनके घर पर डंबल्स या वेट लिफ्टिंग वाली मशीन्स हो सकती है. और स्पाउस जो हैं फिजिकली फिट रहते हैं, फिजिकल फिटनेस में ज़रूर ध्यान देते हैं. वो कहते हैं कि जो बॉडी है इट्स द टेम्पल टू द सोल, तो इस टेम्पल को मैंने अच्छे से रखना है, यानी फिट रखना है. तो स्पाउस हेल्थ कॉन्शियस होंगे, स्पेशली फिटनेस ऑफ द बॉडी, फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, इनमें इंटरेस्ट रखेंगे. उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब उनका फिजिकल बॉडी फिट होता है, और ये मतलब बहुत कॉमन बात है. अगर हम फिजिकली अच्छा नहीं, मतलब फिट नहीं है, है ना, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, पेट खराब रहता है, कहीं बॉडी पेन है, कॉन्फिडेंस लूज होता है.
क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस एक पर्सन को अपने आप पर होता है कि कुछ हुआ तो मैं अपने आप को किसी तरह बचा लूँगा या बचा लूँगी। तो अगर खुद का फिजिकल बॉडी फिट नहीं है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होता है, पर जब फिजिकल बॉडी फिट है तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो स्पाउस इज ऑल्सो समवन जो फिजिकल बॉडी पर फिटनेस पर ध्यान देते हैं। देन वी हैव इनसाइट, इट सेज प्रॉब्लम सॉल्वर स्ट्रैटजीज एंड सक्सेस। सो यस, स्पाउस कैन ऑल्सो उत्तरा अषाढ़ा नक्षत्र प्रोमिनेंट इन देयर चार्ट। तो जैसे सजिटेरियस और केप्रिकॉन साइन उनके चार्ट में प्रोमिनेंट हो, यानी सजिटेरियस या केप्रिकॉन में उनके प्लैनेट्स जरूर प्लेस होंगे। जैसे उत्तरा अषाढ़ा इज अ नक्षत्र अबाउट स्ट्रैटेजाइजिंग प्लानिंग थिंग्स आउट, क्योंकि उत्तरा अषाढ़ा वॉर रिलेटेड नक्षत्र है। तो वॉर में हम ऐसे ही नहीं चले जाते, हम प्लान स्ट्रैटेजाइज करते हैं। तो इसी तरह लाइफ में स्पाउस जो है प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं, उनका स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा होता है। वो लोगों को लीड कर पाते हैं, गाइड कर पाते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। एक बहुत अच्छे लीडर है जिस वजह से उनको बहुत सक्सेस भी मिलती है। उनको ना काम बांटना आता है कि ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, वो काम तुम करो। तो अपने और स्पाउस ना दूसरे के गुण भी परख पाते हैं कि ये पर्सन किस चीज़ में अच्छा है, इसको उस अकॉर्डिंग काम देंगे। मतलब स्पाउस दूसरों के गुण को रियलाइज करते हैं और उसके गुण का यूटिलाइजेशन करते हैं एक अच्छे वे में। सो दिस इज हाउ द पार्टनर इज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस एस्ट्रोलॉजी डेक से क्या इन्फॉर्मेशन है। सो पाइल नंबर 3, सो वी हैव सिक्स्थ हाउस सस्टेनेबिलिटी। सिक्स्थ हाउस लिटरली आपके फिटनेस ऑफ द बॉडी को शो करता है। इवन हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, कोर्ट हाउसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब सिक्स्थ हाउस बेसिकली वर्गो साइन है। वर्गो इज द सिक्स्थ साइन। सिक्स्थ हाउस में वर्गो का घोस्ट हमेशा होगा, वॉट एवर योर असेंडेंट इज। लेट्स से यू आर अ वर्गो असेंडेंट तो सिक्स्थ हाउस में एक्वेरियस साइन होगा। बट इवन दो वहाँ एक्वेरियस साइन है सिक्स्थ हाउस में, बट वर्गो का घोस्ट जरूर होगा। सो सिक्स्थ हाउस डेफिनेटली हियर शोज दैट योर पार्टनर इज गोना बी समवन जो अपनी बॉडी से अलाइंड रहते हैं, उनका बॉडी उनका बात मानता है, यानी उनके फिटनेस ऑफ द बॉडी बहुत अच्छा है, फिट रहते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर जो हैं रियलाइज़ करते हैं कि अगर मैं फिट नहीं हूँ तो मैं अपना 100% नहीं दे सकता अपने वर्क में और मैं अच्छे से ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो ही और शी विल बी वेरी हेल्थ कॉन्शियस पीपल, विल लाइक टू ईट गुड फूड एंड विल लाइक टू डू एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस। और स्पाउस को प्योर खाने का बड़ा शौक है, मतलब प्योर घी, प्योर फूड खाना, ऑर्गेनिक खाना खाना, ये इसको लेकर काफ़ी जागरूक है। और पार्टनर जो है प्रॉब्लम सॉल्वर है, दूसरे लोग की प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। उनके पास बेस्ट एडवाइस होती है, गाइडेंस होती है, बेस्ट टूल्स होते हैं जिससे वो वर्क करें या प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो अदर पीपल कैन कम टू योर स्पाउस टू गेट सम एडवाइस ऑन सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड स्पाउस गिव्स देम द राइट एडवाइस। इवन दो स्पाउस के पास राइट एडवाइस नहीं भी है, उनके पास कोई एडवाइस नहीं है देने को, स्टिल स्पाउस कुछ ऐसी बात कह देते हैं दूसरों को जो दूसरे को फिट बैठ जाती है, एंड अदर पर्सन अगेन कम्स बैक टू गेट सम एडवाइस ऑन सम अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और जब बात आती है आप अपने पार्टनर से कब मिलते हो और कैसे मिलते हो, तो अगेन आप अपने पार्टनर से 5 months फ्रॉम नाउ या 2005 या 2025 या फिर 5 months फ्रॉम नाउ इवन 2027 बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मीट योर लाइफ पार्टनर। अगर आप एक मैरिजेबल एज रन करो, इफ यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, तो 5 months फ्रॉम नाउ ऑल्सो यू कैन मीट योर पार्टनर। बाकी 2025 एंड 2027 दीज टू ईयर्स ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैरिज टू हैपन, या मैरिज में कुछ होगा इन सालों में इंपॉर्टेंट। सो ये इंडिकेशन है। ऑलराइट, पाइल नंबर 3। सो यस, दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। एस्ट्रोलॉजिकली जैसे हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि मार्स कैन बी और धाराकार का प्लैनेट, और आपका जो 7th लॉर्ड है वीनस है, मार्स है या फिर जुपिटर है ना, या धाराकार का प्लैनेट है अगेन, ये आपका सिक्स्थ हाउस या वर्गो साइन में प्लेस्ड हो सकता है, या स्कॉर्पियो में प्लेस हो सकता है, 8th हाउस में प्लेस हो सकता है, या 9th हाउस या सजिटेरियस साइन में प्लेस हो सकता है, 10th हाउस या केप्रिकॉन साइन में प्लेस्ड हो सकता है। आपके चार्ट में भी जो वर्गो साइन है, इवन लियो साइन है, कैंसर साइन है, स्कॉर्पियो,
सेजिटेरियस साइन है ये प्रोमिनेंट होंगे, यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. कैंसर में वी हैव पुनर्वासु पुष्य अश्लेषा माघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, फिर लियो में होता है और स्कॉर्पियो में सॉरी वर्गो में उत्तर फाल्गुनी हास्ता चित्रा है और स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, फिर मूला पूर्व अषाढ़ा उत्तर अषाढ़ा सेजिटेरियस में और केप्रिकॉन में उत्तर अषाढ़ा श्रावण धनिष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1 D12 या D9 नवामचा चार्ट में आपके भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे पाइल नंबर 3. सो या वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू. डू लेट मी नो एंड ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, आई डू एस्ट्रोटैरो रीडिंग एंड नक्षत्र कुंडली रीडिंग. यू कैन बुक योर सेल्फ अ रीडिंग फ्रॉम माई वेबसाइट. द लिंक टू माई वेबसाइट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज ब्रेसलेट्स, दीज आर हैंडमेड लेंस एनर्जाइज्ड बाय मी, यू कैन गेट दीज ब्रेसलेट्स ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ. राइट नाउ वेयरिंग सिट्रीन एमेथिस्ट एंड द पिंक टाइगर आईज. यू कैन बाय देम फॉर योर सेल्फ और फॉर योर लव्ड वंस. एंड आई शैल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग पाइल 3. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी.